चाहे हो इडली, चाहे हो वड़ा, चाहे हो डोसा या फिर हो उत्पम, बिना चटनी के इनका कोई भी मज़ा नहीं है। तो आज हम आपको वो चटनी बताने वाले हैं जो कि हम बनाएंगे मूंगफली के दानों से और चना दाल से। आप चाहें तो इसमें कोकोनट भी डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है आधा कटोरी मूंगफली के दाने, जिसको हमने तवा पर सेक कर इसके छिलके उतार दिए हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत है कुछ लहसुन की कलियों की, आप चाहें तो नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और चाहिए एक हरी मिर्च। उसके बाद हमने लिया है 3/4 कटोरी चना दाल। अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। तो हमने ले लिया है तेल, उसमें सबसे पहले हम इसे आँच कम रखेंगे और पहले लहसुन की कलियों और मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चना दाल। आँच मीडियम टू लो होना चाहिए, हल्का सा ही फ्राई करेंगे, हल्का सा ही इसका कलर चेंज होगा। ज़्यादा डार्क इसे फ्राई नहीं करना है, वरना इसका जो टेस्ट है वो पूरा ही बिगड़ जाता है। ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। किसी भी चीज़ का कलर हमने ज़्यादा डार्क होने नहीं दिया है, चाहे वो लहसुन की कलियाँ हो या चना दाल हो। ये बातें आपको नोट करनी बहुत ज़रूरी है, वरना टेस्ट है जो बिगड़ जाता है। अब ये जो फ्राई की हुई चीज़ें हैं उसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और आगे जाकर हम इसे पीसने वाले हैं। तो ये ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे पीस लेंगे। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सबको मिक्स कर लेंगे और जो चना दाल है उसमें जो तेल को निकालते हुए हम उसको डाल देंगे। ये जो तेल है बाद में उसे हम तड़के में यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पर आप नमक और पानी और ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो। तो चलिए इसका तड़का भी तैयार कर लेते हैं। बचे हुए तेल में हमने डाल दिया है सरसों और करी पत्ता, इसको भी कम आँच पर ही करना है। और ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब हम इसे बंद कर देंगे और इसके अंदर का जो बबल्स है वो ख़त्म हो जाएगा। तो गरम ही गरम हम इसे डाल देंगे अपने चटनी के ऊपर। तो लो जी, चटनी बनकर हो गई है तैयार। आप इसे गर्मा गर्म इडली के साथ सर्व कीजिए, चाहे डोसा के साथ, उत्पम के साथ या वड़ा के साथ। आपको ये बहुत ही अमेजिंग लगने वाली है। तो आप ट्राई कीजिए ये रेसिपी। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग गर्ली कॉर्नर।